अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने आपको एक छोटा सा मैसेज देना है इंजेक्शन्स के बारे में। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनके गांव में या कोई भी इस तरह का बंदा होता है जो इंजेक्शन लगा लेता है, तो उससे इंजेक्शन लगवा लेते हैं, हद तक कि जो मसल के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, पट्टी के अंदर, वो भी लगवा लेते हैं, और जो रग के अंदर लगवाते हैं वो भी लगवा लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनके अंदर मसल के अंदर जो इंजेक्शन लोग लगवा रहे होते हैं, स्पेशली जो ये हमारा कंधा है इसके ऊपर इंजेक्शन लगता है, तो इसी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जो एक बंदा जो एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो आपको इंजेक्शन लगा रहा है, उसकी वजह से नर्व डैमेज हो सकता है और भी मसलन काफ़ी सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो को लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, मतलब पूरी लाइफ के लिए आपका जो हाथ है वो मफलूज हो सकता है। तो कोशिश करें कि जो इंजेक्शन है, कोई भी इंजेक्शन हो, तो वो किसी एक प्रॉपर ट्रेंड बंदे से लगवाएं, और कोशिश करें तो किसी मसलन हॉस्पिटल में जाके लगवाएं, बजाय इसके कि आप घर में या इर्द गिर्द किसी से लगवा लें। तो ये इंजेक्शन के बारे में, जब भी आपने कोई भी इंजेक्शन लगवाना है बच्चों को ख़ास तौर पे, तो ज़रूर किसी प्रॉपर या ट्रेंड बंदे से लगवाना है। ये नहीं कि एक बंदे को अगर इंजेक्शन लगाना आता है और आपने सुना कि उसको इंजेक्शन लगाना आता है तो आप लगवा लें। अक्सर गाँव में ये होता है कोई किसी बंदे को इंजेक्शन लगाना आ रहा होता है, तो वो सारे गाँव वाले उसे जाके इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, और इससे बहुत सारे मसले पैदा होते हैं जो बाद में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल कर सकते हैं।